दोस्तों नाश्ते में बनाया है मैंने मसाला चना, ये देखिए। और वैसे चने तो मैं हमेशा बनाती हूँ व्रत में जब भी अनुज का फास्ट होता है, बट ऐसे मसाला चने बहुत कम बना, बहुत टाइम बाद बनाया है मैंने। इसमें प्याज टमाटर लहसुन सब मिक्स है और चना देखिए। अब पूरी के साथ पूरी बनाई थी मैंने, पूरी ज़्यादा नहीं बनाई थी, केवल अनुज के टिफिन के लिए बनाई थी, तो इसमें एक बची है पूरी। तो मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, पहले हल्का गुनगुना पानी कर लेती हूँ पीने के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 12 बजने वाले हैं और अभी मैं सारे काम धाम निपट गए हैं सुबह के मॉर्निंग के, और नहा धो के मैंने कपड़े धोने रख दिए मशीन में, वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। और मैं नहाई बट मैंने बाल नहीं धोए, बाल धोने में इतना डर लगता था, जैसे बाथरूम में बाल वॉश करो तो ऐसा लगता है कि अब गंदे होके बाहर निकलूंगी, इतने बाल झड़ते रहो, बाप रे ऐसा लगता है तो गए मेरे बाल। तो एक कारण यह है कम धोने का बाल, और एक कारण यह है कि मुझे खांसी जुकाम हो रखा है, मुझे ठंड बिल्कुल नहीं कपड़ी सुबह किया हुआ। मैंने फेस वॉश किया ठंडे पानी से, नल के पानी से, उसके बाद मेरे यहाँ लाल लाल चकते से निकल गए। मैं डर गई, मैंने कहा ये कौन सी एलर्जी होगी मेरे फेस पे। तो थोड़ी देर में फिर आग उग सेकने के बाद मुझे लगा कि एक बार पहले भी हुआ था मेरे, तो उस टाइम तो जैसे चींटी काटते ना वैसे दाने निकले थे, बट अभी क्या चकते से हो गए थे। मुझे डर सी लगी, मैंने कहा कि क्या हो गया मुझे। फिर मैंने कहा एक बार आग सेक के देखते, तो उससे बिल्कुल सही हो गए, नहीं तो यहाँ यहाँ लाल लाल से हो गए थे। तो बिल्कुल ठंड सूट नहीं कर रही है, सॉरी। तो खांसी भी बिल्कुल अभी एकदम से ठीक नहीं हुई मेरी, अभी नहाई हूँ मैं, और नहाने के बाद इतनी खांसी लगती है ना मुझे। पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है वॉशिंग मशीन की आ रही है, मैंने वॉशिंग मशीन चला ली है और अब मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, पास में शॉप है। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया है खाने पे, फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि उस वो क्या बना रही है, कुछ स्पेशल डिश बना रही है मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया मुझे नाम, लेकिन अभी नाम मैं आपको बताऊंगी नहीं, जब मैं वहाँ जाऊंगी ना उसके बाद ही बताऊंगी। वैसे थंबनेल से आपको पता तो चल जाएगा कि हम उसने क्या बनाया है। तो मैं लेके आती हूँ सब्जी, फिलहाल पानी मतलब आ गया। तो दोस्तों मैं सब्जी लेके आ गई हूँ और वॉशिंग मशीन भी चल रही है, और मेरी फ्रेंड का फ़ोन भी आ गया, मैंने कहा मैं कपड़े सुखा के आती हूँ, तो वॉशिंग मशीन में बस लास्ट चांस लास्ट बार घूम रही है। इसके बाद मैं सुखा दूँगी कपड़े। तो मैं सब्जी ले आई हूँ, सब्जी अभी इसी बैग में ही है, निकाली हुई नहीं है मैंने। भिंडी इतनी अच्छी आई ना आज, बिल्कुल ताजी ताजी और सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम, मतलब कोमल कोमल से। और बजने वाले हैं एक दोपहर के, और आज अनुज आया नहीं अभी तक, कभी कभी परसों तक टाइम से आ जाता है, एक पौने एक बजे तक पेपर चल रहे थे और शायद लेट आएगा। तो मैं सुखाती हूँ कपड़े, मिलती हूँ आपकी थोड़ी देर में। ऐसे करूँगी तो फेस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पीछे उजाला है, फेस पे अंधेरा आ जाएगा। ये दोस्तों मेरी फ्रेंड बना रही है बाटी, आज इसीलिए इनवाइट किया उसने हमें बाटी खाने के लिए। तो ये राजस्थान की और एमपी की फेमस डिश है, अभी बनेंगे। अभी इसके अंदर घी डालोगे ना? घी डाल दिया? घी डालेंगे, फिर अभी पक जाएगी, उसके बाद छेद करेंगे फिर घी डालेंगे। अच्छा, तो बन चुकी है हमारी बाटी, अनुज खा रहा है ये दाल बाटी। पापड़ अनुज अभी तक संघर्ष ही कर रहा है, दाल बाटी दाल का दाल की खुशबू बड़ी मस्त आ रही है। ये हमारी दवा दे रही है, कैसे है? अच्छी, देखिए दाल बाटी, इसके अंदर घी डाल रखा उन्होंने, और इस तरीके से खाते हैं जैसे अनुज तोड़ रहा है ना, ऐसे तोड़ते ना, उसको पता है मैंने इसमें डाल के चम्मच से खा सकता है। हाँ। दाल में डाल के। हाँ। हम स्टार्ट करते हैं तो इधर रखते हैं, थोड़ी गर्म रहेगी, हम और लेंगे। A few moments later। छत में लेटी हूँ, देखिए मोर आ गया, यहाँ पे लेटी हुई थी मोर आ गया, उसको पता नहीं मैं हूँ यहाँ पे, भाग दे रहा है। ये देखिए
पहली बार आया हमारे छत में, उसने मुझे देखा नहीं क्या, ऐसे लग रहा मुझे, ये तो बहुत डरते हैं। खाना खाने आ रहा, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे चावल रखती हूँ, लेके आऊँ मैं, उठूंगी तो उड़ जाएगा। डर रहा हो उसने मुझे देखा नहीं है, मैं उठू उड़ जाएगा, उठूंगी तो। ये आ रहा है, मैं लेके आती हूँ, लेके आती हूँ चलो चावल लेके आती हूँ। ये ले आई मैं नीचे से चावल के टोंडे रखे थे मैंने, कहीं उड़ गया होगा तो पता नहीं। लगे हुए मोर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ आए घूमते घूमते यहाँ शॉपिंग करने के लिए। तो बहुत ठंड हो रही है यहाँ, बर्फ पड़ने लग गया है, शिमला हो गया है। यहाँ छोटे मोटे आइटम सारे मिल जाते हैं हमें, बच्चे परेशान कर रहे हैं। मैं परांदा बार बार भूल जाती हूँ, घर में लिया था मैंने। ये देखो कितने अच्छे लग रहे, राधा रानी का कान्हा जी का कंगन अच्छे लग रहे ना। बट हम अभी केवल आंखें सेकने आएंगे, लेने दूसरे दिन आएंगे। प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। घर जाके सोचेंगे, घर जाके वीडियो में देखेंगे, फिर सोचेंगे, फिर कल आएंगे, फिर लेंगे। ये भी अच्छा लग रहा है। ये बहुत पुराना फैशन है। शाम के 7:40 हो चुके हैं, हम घूम के आ गए हैं और शॉप में थोड़ी टाइम लग गया हमें। और आज मंगलवार है तो हम जा रहे हैं मंदिर, हनुमान जी की आरती तो हो चुकी है बट हमने का दर्शन करके आ जाते हैं, क्योंकि सामने हनुमान जी का मंदिर बालाजी का, तो हम जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको भी दर्शन कराते हैं बालाजी के।